ओवरऑल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज अपन आ चुके हैं दोबारा से रोब्लॉक्स के अंदर। एंड रोब्लॉक्स में आज हम लोग खेलने वाले हैं फायर बॉय एंड वाटर गर्ल ऑबी में। तो ये देख सकते हो, मैं बना हूँ फायर बॉय एंड मिस्टर चॉप बना है वाटर गर्ल। वॉट भाई, ये गलत बात है, मेरे को लड़की नहीं बनना। कोई बात नहीं दोस्त, आज कुछ समय के लिए तुमको लड़की ही बनना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो फायर बॉय है वो फायर पे चल सकता है लेकिन वाटर पे नहीं, और जो वाटर गर्ल है वो वाटर पे चल सकती है लेकिन फायर पे नहीं। तो आई थिंक तुमको नीचे से जाना पड़ेगा, ऊपर से जाओगे तो देख रहे हो खत्म हो गए ना। वॉट भाई, ये क्या, ये एलिमेंटल ऑबी है क्या? वो लग तो वैसा ही रहा है। अब तुमको ऊपर से जाना पड़ेगा और मेरे को नीचे से। वॉट भाई, अच्छा ये टू प्लेयर वो है ब्रो, कंबाइन ऑबी है। एक दूसरे का मदद करना पड़ेगा। चलो चलो तुम ऊपर से जाओ, लेट्स गो। चॉप का रास्ता तो बहुत ईजी था भाई। ऑलराइट, अब मैं ऊपर से जाऊंगा, तुम नीचे से आओ। वॉट भाई यार, दोनों का मदद कब करना है भाई? वो क्या पता मेरे को, देखो ना, हो सकता है आगे में ऑप्शन आएगा। वी जस्ट हैव टू सी, ठीक है, वी हैव टू वेट एंड वॉच। ऑलराइट, आ जाओ भाई, किधर से जाना? अरे गलत डायरेक्शन में जा रहा था मैं। ऑलराइट फायर बॉय, फायर वाले रास्ते से निकल लो एंड वाटर गर्ल वाटर वाले रास्ते से। वॉट भाई, आगे तो बहुत चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। अरे बढ़ने दो भाई, क्या दिक्कत है, यही तो कंफ्यूजन है। ऑलराइट, तो मेरे को यहां तक जाना है एंड देन व्हाट आई हैव टू डू इज, अरे मर गया भाई, हल्का सा हार्ट टच भी होगा ना तो खत्म कर देंगे ये लोग तुमको। ऑलराइट, अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पार कर लिया भाई। ऑलराइट, अब इधर से निकलेंगे, लेट्स गो। वॉट भाई, ये वाटर तो कुछ ज्यादा ही वाटर कर दिया इन लोगों ने। अरे अभी देखो ना, बीच बीच में कंबाइन करवा रहे भाई, तब पता चलेगा। जब कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होगा दोस्तों, तब कोई नहीं बच पाएगा, तब अपन दोनों में बहुत सारी गलतियां होने वाली है। ये देखो, आधा रास्ता मैं जा सकता हूँ और आधा रास्ता नहीं जा सकता हूँ, वाह ये क्या मजाक है। ओके, मे बी आई कैन डू दिस एंड इसके ऊपर से। ओके समझ गया मैं। वॉट भाई, जो भी एलिमेंट आपको दिया है उसका एकदम अपोजिट मेरे को दिया गया है ब्रो। भाई सेम चीज मेरे साथ हो रही है। ऑलराइट लेजर्स, अरे लेजर्स के बीच से नहीं जा सकता मैं। वॉट भाई, मैं भी लेजर के बीच ही से जा रहा था, मार दिया ब्रो। अरे भाई फिर मर गया, इसकी ऐसी की तैसी, क्या मजाक है, ये साइड से जाना पड़ेगा क्या? ओ अब समझा, ये फंडा है यहाँ पे। वॉट भाई, ये तो क्रिस क्रॉस जाना पड़ेगा ब्रो। आओ देखते है भाई कैसे क्रिस क्रॉस जाएंगे। ऑलराइट, इधर कूदो एंड फिर लेफ्ट में, फिर राइट में तुम कूदो, मैं लेफ्ट कूदूंगा। ओके बहुत बढ़िया, अरे गिर गया। अरे भाई क्या मजाक है ये गाइस, हल्का सा वाटर टच भी कर दो तो फायर भाई की फायर ही खत्म हो जाती है। अबे तेरा फायर एलिमेंट है, इतनी आसानी से कैसे बुझ जाता है भाई तू, वो भी चुल्लू भर पानी में भाई। ऑलराइट, मैं तो सबको ही डॉज कर रहा हूँ। ओके आई कैन गो क्लियरली थ्रू द फायर, लेकिन वाटर भाई बहुत डिफिकल्ट है। ओके चलो आ जाओ, इधर से चलता हूँ मैं। ओके वाटर वॉल्स, हाथ टच नहीं होना चाहिए, हाथ टच नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। भाई बच गया, अरे मर ही गया भाई, क्या मजाक है ये यार। थोड़ा रास्ता, थोड़ा सा जाने दो। अरे आराम से पाजी, आराम से जा रहा हूँ मैं। अरे लेट्स गो। वॉट भाई देखो, मैं आ गया वो। अरे वो सब ठीक है भाई, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे टच कर गया तो। लेट्स गो। अच्छा इधर मैं एक्चुअली मैं आराम से जा सकते भाई। अरे यार ये गलत बात है गाइस। ऑलराइट चलो लेजर्स को डॉज करो। अरे धक्का देता है तेरी ऐसी की तैसी। वॉट भाई, धक्का नहीं भाई, आपके लिए रास्ता बना रहा था भाई, तेरे रास्ते के चक्कर में गिर गया भाई, धक्का देता है मेरे को। ऑलराइट लेट्स गो। ओ ये क्या है भाई? तो ये फायर सर्कल एंड वाटर सर्कल। अच्छा अरे अरे मर गया। अबे क्या मजाक है ये, चढ़ने तो दो। ऑलराइट बहुत बहुत अच्छे से जा रहा हूँ, बहुत प्यार से जा रहा हूँ मैं। अरे भाई कंप्लीट हो गया, लेट्स गो। फायर भाई, फायर करने के चक्कर में नीचे गिरा दिया। ऑलराइट लेट्स गो, फिर से फायर एंड लावा। लास्ट में लावा। ओ भाई इस पे खड़ा हो सकता हूँ ना, लेट्स गो। आ जाओ, कहाँ रहेगा ये चॉप? वॉट भाई आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, समझ नहीं रहे हो, बैलेंस बनाना एक मुश्किल काम है ब्रो। इतना भी मुश्किल काम नहीं है भाई। ऑलराइट चलो इसके ऊपर कूदो, बहुत बढ़िया, इसके ऊपर कूदो एंड वी हैव मेड इट। अरे जंप ही नहीं किया भाई लास्ट में, ये क्या मजाक है, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई भाई। वॉट भाई क्या यार, ऐसी छोटी मोटी जगहों पे मर जाओगे तो कैसे काम चलेगा वो। अरे गिर गया था भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे नहीं गलती होगी, चलो लेट्स गो। ऑलराइट तुमको राइट से जाना है। वॉट भाई अरे नीचे गिर गया वो। अरे कोई बात नहीं दोस्त। ओके अब समझा, इन लोगों को शॉर्टकट दिया था भाई अपने को लॉन्ग कट, लेकिन अब इन लोगों को लॉन्ग में जाना पड़ेगा अपने को शॉर्ट में। एंड ये क्या है, बीच से शॉर्टकट है क्या, रुको तो ट्राई करूं। अरे मर गया भाई। नहीं शॉर्टकट ट्राई मत करो यार, स्कैम है भाई वो, उस पे पैर रखते के साथ में गेम ओवर कर देते हैं ये लोग। वॉट भाई, लंबा रास्ता सबसे बेस्ट रास्ता होता है वो, शॉर्टकट जैसी चीज हमेशा स्कैम होती है। अरे मैं तो मस्त जा सकता हूँ भाई, मैं क्यों कूद रहा हूँ। ऑलराइट ये देखो। वॉट भाई अब तो मेरा एलिमेंट है, मैं आराम से जाऊंगा। अरे कैसे मर गया वो? अरे भाई गलती हो गई, और क्या भाई, अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, गलती। अरे फिर कैसे भाई, जंप करने के बावजूद कैसे गलती हो रही है। ऑलराइट लेट्स कीप ऑन जंपिंग एंड जंपिंग। अरे
भाई बहुत हो गया भाई, मजाक से हट के भाई अब तो ज्यादा हो रहा है दोस्तों। ये लोग भाई साहब मेरे को, रुको इधर से इधर एंड इधर से उधर एंड डन। ओके आ जाओ शॉप। अब भाई रास्ता उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैं सोच रहा था। वैसे एक्चुअली मैं चाहूँ ना तो मैं यहाँ से ऐसे भी जा सकता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है भाई उस तरह से जाने की। और तो भाई दिमाग लगा रहे हो? हाँ दिमाग लगा रहे हो। देखो फिजेट स्पिनर कैसा लगा, फिजेट स्पिनर लेके जा रहे तो वाह भाई सही है यार। ये देखो सही में इसके हाथ में फिजेट स्पिनर है भाई। ऑलराइट अपन लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे फिजेट स्पिनर मिला कहाँ से? ये गिफ्ट सेक्शन में है क्या? रुको देखूं। अरे हाँ सही में गिफ्ट सेक्शन में। एक सेकंड मैं भी फिजेट स्पिनर चला सकता हूँ। ओह ये देखो ये बढ़िया लग रहा है भाई। रोब्लॉक्स में ये सब कब से आने लग गया? अबे यार ये पानी की ऐसी की तैसी भाई, जहाँ देखो वहीं बुझा देता है। ओके आगे 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 एड हो गया। लुक एट दैट इजी पीजी बोलते बॉयज हम लोग भाई। बातों बातों में देख लो भाई 23% पार्कोर कंप्लीट भी कर चुके हैं। आई डोंट नो कि मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं इस वीडियो में, बट एनीवेज जहां तक भी अपन कंप्लीट करेंगे उसके आगे का पार्ट भाई अपन नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंप्लीट करेंगे। सो डोंट वरी गाइस, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो पे इनफ प्यार दिखाओगे तो हम लोग फायर बॉय एंड वाटर गर्ल का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग फायर मैन एंड वाटर वुमेन बन जाएंगे। बताओ है ना जबरदस्त चीज। ऑलराइट लेट्स गो इजी। ये फायर को डॉज नहीं करना है, इस पे जंप करना है एंड अवॉइड करके आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया, अब तो मैं सीधा फायर प्लेट्स पे पैर रख सकता हूँ। अब मेरे को समझ में आ रहा है चॉप की यहाँ पर डिफिकल्टी है क्या दोस्तों? व्हाट भाई क्या डिफिकल्टी है बताओ वो। अरे देखो डिफिकल्टी एक्चुअली में ये है कि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इन लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं। लेकिन जितना देर खेलोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए आगे चल के तुमको इतना कंफ्यूज करेंगे ये लोग कि गेम का डिफिकल्टी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। व्हाट भाई ऐसा है क्या ब्रो? आप बताते नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलता। अच्छा हुआ आपने बता दिया। अबे मजाक उड़ा रहा है भाई, देख रहे हो चॉप तेरी ऐसी की तैसी। रुक तेरे को आगे बताता हूं मैं। आइयो बेटा मदद मांगने, उस समय निकलूंगा तेरी मदद में। व्हाट भाई आपकी क्या मदद पड़ेगी बताना जरा मेरे को भाई। हां वैसे बात तो सही है, मदद क्या ही पड़ेगी भाई यहां पे। राइट कहां रह गया? अरे ये घोचू मल भाई आधा टाइम तो ये ऊपर नीचे ही करते रहता है। व्हाट भाई घोचू किसको बोल रहा है? आपसे ज्यादा प्रोफेशनल आदमी हूं ब्रो। अच्छा अच्छा इसीलिए तू पीछे है भाई साहब। नौटंकी ना कर मेरे सामने, समझा? फायर है, फायर से बुझ जाएगा भाई तू। वेट बुझ जाएगा, भाप बन जाएगा। सॉरी पानी को फायर भाप बनाता है भाई, बुझाता तो पानी आग को है। व्हाट भाई आपको क्या लगता है आपके जैसे छोटे आग को बुझाने के लिए समुद्र का पानी काफी नहीं है? अरे काफी है, लेकिन तेरे पास समुद्र का पानी थोड़ी है ब्रो। ऑलराइट एंड वी मेड इट। कोई तो पीछे वाटर गर्ल थी, उसका चैप्टर पता नहीं कैसे खत्म हो गया, बट चलो कोई बात नहीं गाइस। ऑलराइट यहां से मेरे को अंदर जंप करते हुए जाना है। और मिस्टर ये क्या मजाक था भाई, इसकी ऐसी की तैसी गिरा दिया मेरे को इन लोगों ने। व्हाट भाई कहां पर हो वो? अरे आ रहा हूं, रुक जाओ यार, ये बार बार गिरा दे रहे हैं मेरे को भाई। या तो ये गिरा दे रहे हैं या फिर ये प्लेटफॉर्म ही बहुत ज्यादा पतली है। ओके बहुत प्यार से कर लेंगे यार। अरे हो गया पाजी, लेट्स गो। ओ यार रुक जा। व्हाट भाई आप किसको किसकी मदद पड़ रही है जरा बताना ब्रो। अबे ज्यादा डेढ़ साना मत बन, समझा? एक हाथ में उड़ता फिरेगा, फायर बॉय की पावर नहीं जानता क्या? व्हाट भाई एक बार थूक दूंगा तो आपकी आग बुझ जाएगी, समझ गए? अच्छा वाह भाई ये कौन सी बात हुई भाई, इतना पानी थोड़ी है तेरी थूक में। खैर हटाओ गाइस, मेरे को बहस नहीं करना भाई, मैं आराम से मस्त जा रहा हूँ अपना। ऑलराइट एंड यहाँ पर स्टोन के ऊपर जंप करो करो एंड वी डिड इट, लेट्स गो। ऑलराइट एक और लावा ब्लॉक आ गया भाई। इतने लावा ब्लॉक डाल रहे ये लोग, समझ नहीं आता भाई लावा लावा लावा। अगर मान लो बीच में स्पाइक्स आ गए तो अपन क्या करेंगे ब्रो? व्हाट भाई दोनों को ही अवॉइड करना पड़ेगा ब्रो। और एलिमेंटल स्पाइक्स आएंगे तब क्या करेंगे? व्हाट भाई तब एलिमेंट देख के अवॉइड करेंगे। अच्छा वाह भाई, ये एक्चुअली में पता है इन लोगों को सोचना चाहिए था डेवलपर्स को गाइज, कि अलग अलग ऑब्स्टिकल्स के ना अलग अलग एलिमेंट्स होते तब और भी मजा आता। लाइक सोचो आपको एक रैकिंग बॉल मारने की कोशिश करी। अरे अबे यार ये क्या मजाक है? व्हाट भाई ये तो चूज द राइट वे चैलेंज कर दिया ब्रो। भाई वही तो मैं सोचा भाई। ओए तेरे को कैसे पता कौन सा राइट वे है ब्रो? व्हाट भाई गैस मारा, गैस सही हो गया ब्रो। अबे इतना सही कैसे हो सकता है तेरा गैस? चलो कोई बात नहीं। ऑलराइट गाइस अपने को फायर सिलेंडर्स पे अब जंप करना है। ऑलराइट अब नए नए शेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। ऑलराइट आराम से, ये देखो चुटकी बजा के कंप्लीट कर लिया भाई। अरे गिरा दिया इसकी ऐसी की तैसी। अरे भाई जंप करना क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है क्या? ऑलराइट गाइस रुको एक सेकंड, मेरे को चेक करने दो स्टोर में क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों के पास। ऑलराइट तो हम लोगों के पास स्पीड कॉइल है, ग्रेविटी कॉइल है, रेनबो कार्पेट है, वीआईपी ग्रैपल हुक है, 2x स्पीड आरपीजी, डबल जंप, फ्लाइंग क्लाउड, उसका लेजर फ्यूजन कॉइल, जेटपैक, स्वॉर्ड एंड बूम बॉक्स। सच बताओ तो भाई इसमें से कोई काम का लग नहीं रहा है मेरे को अपार्ट फ्रॉम द फ्लाइंग क्लाउड गाइस। और फ्लाइंग क्लाउड लेने का जरूरत ही क्या है, अपन तो ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं ना चॉप। व्हाट भाई वो तो आपको देख के लग तो नहीं रहा है, जिस तरह से आप मर रहे हो आपको तो रोबक्स फेंकना ही पड़ेगा जीतने के लिए। अबे नहीं भाई ऐसे ऐसे मजाक मत उड़ाओ यार, ये भाई बच्चों वाली डिफिकल्टी है भाई, इसको कौन नहीं पार कर पाएगा। ओके भाई ये क्रिस क्रॉस अब देख रहे हो ज्यादा होते जा रहा है, मैं बता रहा था ना आप लोगों को। जैसे जैसे आगे
आगे बढ़ोगे ना डिफिकल्टी बढ़ते चली जाएगी। अच्छी ऐसी की तैसी भाई, मैं मस्त कूद रहा था भाई, बताओ मेरे को मरवा दे। अरे यार ये फिर से वाटर आ गया, रुको रुको रुको, इजिली जंप करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं जंप कर रहा टाइम पे, भाई पहले जंप करो, बाद में जंप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ब्रो। ऑलराइट एंड लेट्स गो, आ जाओ दोस्तों। अबे ये क्या है, एक सेकंड, अच्छा ओ मेरे को इसके ऊपर से जंप करते हुए जाना है, गॉट इट। ऑलराइट एंड गाइस आई फील लाइक इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, 51% हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है स्टेज को, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमेशा की तरह स्टे फ्रॉस्टी।